Indian Memes by Meme Pustak. So before I start, hello and I'm Monali Naik. Welcome to my channel, Nakhle Wali Mona. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. हे दोस्तों, क्या हाल चाल. आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा. ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, प्लीज इसे सीरियसली मत लेना. और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. मैंने डॉज कॉइन खरीद लिया था. तो डॉज कॉइन सबसे बड़ा होल्डिंग है आपका? नहीं, इनफैक्ट डॉज कॉइन में मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना है. ओके. मैंने डॉज कॉइन खरीदा था, वो 3 रुपए का था. ठीक है. एंड मैंने 53 में बेचा था. ठीक है. पर मैंने एक ही डॉज कॉइन खरीदा था. खत्म. मैं सोच रही थी आपको बताएगा इतने. बाय बाय, टाटा, गुड बाय. गया. कितने की बन गई? 50 की. आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? काउंटर पे आना पड़ेगा. ऐसे मत डालते जाओ, मेरे पास पैसे नहीं होते है इतने सब लेने से. लेने को बर्गर, पिज्जा, नूडल. सादा बता दो ना. नूडल बता सकते हैं आप, आइसक्रीम वैसे बता सकते हैं. वैसे बता सकते हैं. बर्गर लाओ, पिज्जा लाओ. इसे कौन धोखा देके चली गई? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? व्हाट हैपन? छोड़ के चली गई ना. कहा था ना मत जा उसके पीछे. चली गई ना. कोई नहीं चल, कोई नहीं होता है. एक पाले जी खा ले, पाले जी खा ले, पाले एक पाले जी खा ले, सब ठीक हो जाएगा. और मुझे ये आता भी नहीं है कि मैं आपसे आई लाइक यू और आई लव यू टाइप का कुछ बोलूं. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सोना मैम, विल यू मैरी मी? मतलब मेरे से मैंने बोल दिया, मुझे नहीं पता. मैं मेरी हार्ट बीट इस टाइम पे बहुत तेज हो चुकी है. सरप्राइजिंग एलिमेंट हो गया, उन्होंने बिल्कुल गेस नहीं किया होगा ऐसा कुछ. कभी नहीं सोचा था कि ये पल ऐसे कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, लाइव हो रहा होगा. And with all my heart, it's a yes. But इसी के कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है. अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज्यादा कर सकते हैं. मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश. बंद करो हाथ को, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ. आज माँ बाप की खिदमत के लिए जाना था, मिसवाक ली और दांत साफ किए, अच्छी तरह हाथ मुंह धोया, गाड़ी निकाली और दुकान पे चला गया. अंडे और बिस्किट लेके वापस आ गया, चाय पकने के लिए रख दी, अंडे उबलने के लिए रख दिए, 2 कुर्सियां लगाई, 1 टेबल रखी, अम्मी अब्बू को आवाज दी, उन्हें बैठने के लिए कहा, 2 कप धोए, उनमें चाय डाली, अंडे और बिस्किट प्लेट में रखे और माँ बाप की खिदमत में पेश कर दिए. समझ में आ रही है. आप स्पोर्ट्स या हेल्थ टेक में हो और आप तीनों मतलब लग नहीं रहे हो मुझे कि रोज एक्सरसाइज करते हो या स्पोर्ट्स. बोल दूं? बोलना यार, बोलने तो आया. जो ऐसे बेस्ट जो अपना सलोन वाला है वो भी
गंजा होता है। हाँ गंजा है मतलब। I believe you can win because who else knows where to find the cups but the ladies. वो काम जो दूसरे लोग नहीं कर सकते उसे तो मैं अवश्य करूंगा। वेरी नाइस अंकल, मैंने तो दूसरी कहावत सुनी है। क्या? जो काम दूसरे कर सकते वो हम क्यों करें? और जो काम दूसरे नहीं कर सकते उसको करने की बेकार मेहनत हम क्यों करें? आप सब अपने कैरेक्टर को एक वर्ड में डिफाइन करो। ओ चलो मंजीत सिंह, लस्सी। लस्सी क्या करेंगे? ऐसा हटाएंगे, ऐसा रखेंगे, मर जाएगा। अब मिलके बोलो सर, मार दें या जोड़ा बना दें? जोड़ा बना दो भैया। जोड़ा बना दे। हाँ। यहाँ से नहीं, बम्बई जाओ, इसकी वाइफ लेके आओ। ये पकड़ लिया, दो हो गए सर। दो हो गए? हाँ सर। कपड़ा डाल के बना दे, यहाँ बोलो तो ओपन में दिखा दे। ओपन में दिखाओ भैया। वाह भैया, फोन को भी दो कर दो यार। लड़की कहती है लड़के से, यू गाइज कैन स्टिक टू वन बार्बर बट कैन नॉट स्टिक टू वन गर्ल, यू ऑल गाइज आर द सेम। कहता है दीदी बार्बर बता के काटता है। गाइस बच्चा मिला है मुझे, तो बेचारा थक गया है, घर जा रहा था, सोचा इसको कुछ खिला दें। और कुछ खिला दें? ले लो जो लेना है, जाओ जो लेना ले लो, ले लो जो लेना है। यहाँ से चॉकलेट निकाल लो, नीचे वाली चॉकलेट निकाल लो, नीचे लगी होगी, डिब्बे नहीं होगी, पाँच पाँच वाली। पैसे दे देना इनको, ठीक है? पैसे दे देना इनको। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब टू मीम पुस्तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। मैंने परसों, मेरे को नहीं पता ऐसे जाके कहाँ पे देना है, तो मैंने परसों एक फाउंडेशन था उनके, उनको पैसे ट्रांसफर किए और फिर उन्होंने खाना खिलाया जाके छोटे छोटे बच्चों को। सो दैट वाज मतलब ऐसे लाइक यू नो, मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वी कुड एवर गिव, कि अपने दोस्त का बर्थडे हो या कुछ हो तो उनके लिए ये एक स्पेशल हम बना सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट वो होता है कि हम किसी के लिए करें, लाइक मुझे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए करना बहुत पसंद आता है कुछ भी चीज, बिकॉज वो अपने आप से नहीं कर सकते, अपने खुद के लिए नहीं कर सकते। कभी कभी बूढ़ों के पास तो भी कुछ तो भी होता है पैसा, बट बच्चों के पास तो कुछ नहीं होता। उनको ऐसे करेंगे खाने के लिए लेके जाके, ऐसा बोलेंगे उनको। एक मीम मुझे समझ में नहीं आई, कौन सा था वो? कप वाला। दैट्स इट, बाकी के सारे समझ में आ गए। भक्त रिक्शा वाला गट मजी भगत बेचारा। और वो सही में ट्रिगर्ड इंसान जैसे दिख रहा था रिक्शा वाला। आपको पता है ये सॉन्ग महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, मराठी में ये बहुत फेमस है। और बॉयज मैन लाइक लिटरली कुत्ते से बात करके आ गए। बोला था ना ठीक है चला, अभी टेंशन मत ले, पार्ले जी खा ठीक हो जाएगा। बोला था मत पर उस चक्कर। एक्चुअली मैं भी ऐसे बकवास करती रहती हूँ किसी के भी साथ, तो इसलिए मैं बॉयज ऐसे नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं भी बकवासों वाली ही हूँ एकदम। तो ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिया, बाय।